कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय हेलो, हाँ मैं निकल रहा हूँ। मैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर हूँ। यहाँ पर जोरों की बारिश है। आज शाम तक चेन्नई पहुँच जाऊंगा। जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, मिस कर सकता हूँ क्या? हेलो मैडम, है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो जब वापस आए तो कहना कि मैं शाम तक वापस आ रहा हूँ, परेशानी की कोई बात नहीं। ए वन मिनट, अनाउंसमेंट की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। माई बोर्डिंग कार्ड प्लीज। व्हाट? IC 7477 from Bhubaneswar to Chennai. Flight कब take off होगी मुझे क्या पता? Information मिलते ही बताऊंगा। अच्छा, वो ad film कब से broadcast हो रही है? आज से, news के बाद। ठीक है, TV सामने ही है, देख के phone करता हूँ। Delhi, they were carrying firearms and powerful pipe bombs inside a transistor radio. They have since been detained by the local police for further inquiry. Oh God. जहाँ देखो ये उग्रवादी। जानिबा पाई एन्क्वायरी काउंटर सहित जोगजोग करू। क्षमा करिबे, योर अटेंशन प्लीज। पैसेंजर्स ऑफ इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट फ्रॉम भुवनेश्वर टू चेन्नई आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली कांटेक्ट द एन्क्वायरी काउंटर फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। भुवनेश्वर से चेन्नई जाने वाली इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट के यात्रियों से निवेदन है। योर अटेंशन प्लीज, पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू कांटेक्ट द इंक्वायरी काउंटर फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। थैंक गॉड। यात्रियों से निवेदन। आई एम टेरिबली आनंद, आई एम सॉरी। आई एम आनंद, आई एम टेरिबली सॉरी। आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आजकल सब जगह टेररिस्ट। लगातार टीवी में टेररिस्ट अटैक टेलीकास्ट जो कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सस्पिशियस हो गया था। इतना ही नहीं, दिखने में भी आप आतंकवादी दिखता हूँ। जी हाँ। नहीं नहीं, आप पर इल्जाम नहीं लगा सकते, आपने नेक इरादे से तो किया। सब टीवी की वजह से। एक बात कहूँ? जी।
ये जो आतंकवादी हैं वो जैसे आप समझते हैं वैसे मेरी तरह नहीं होते हैं। वो बड़े हैंडसम होते हैं आपकी तरह। एक टीवी ही देखते रहते हैं, टीवी न्यूज देखने की वजह से ये सब परेशानियां हुई हैं। मैं न्यूज नहीं देख रहा, मैं एडवर्टाइजमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। दिन भर टीवी में वही तो आती रहती है, अलग से देखने की क्या जरूरत है। मैं उस एड का इंतजार कर रहा हूँ जिसे मैंने खुद बनाया है। तो आप एडवर्टाइजमेंट फिल्म मेकर हैं? अब तक आपने लगभग कितने? यही आपकी बनाई एड है? सिर्फ आंकड़े हैं? वो टाइम है। जीसस, अरे गॉड डैमन, फिकर मत कीजिए, बिजली ही तो गई है, आ जाएगी। तब तक आपने जिसे पाइप बम समझा वो ककड़ी खाइए। उधर से खाएंगे कि इधर से? नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं। आप इस मिर्ची की बुकनी के साथ ट्राई कीजिए, मजा आएगा। दोबारा मांगेंगे? Clear glass from Saint Gobain. यही आपकी एड है? या अच्छी है। ये क्या सर, आपका काम को देख के हमें वाह करना चाहिए? आप तो सर आँख में मिर्ची। बाथरूम जाके धो लीजिए। चलो 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 सर, are you all right? Yeah, fine. सर आप अपने हाथ में थूक कर उसे आंखों में मलिए, आराम मिलेगा। What is this? अपना ही तो आपसे मशवरा पूछा क्या? नहीं, क्या ढूंढ रहे हैं? साबुन? हाँ। वो तो यहाँ है। ये 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 सर, I'll manage, सर। मुझे छोड़ दीजिए, मैं मैनेज कर लूंगा। ये सर, ये बटन, मैं कह रहा हूँ ना, मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है, मैं बाहर जाऊँ? प्लीज। लगता है आज की रात यहीं गुजारनी होगी। होटलों का नाम अनाउंस कर रहा है, फाइव स्टार होटल सब फुल हो चुके हैं। इट्स नॉट माय डे, इट्स जस्ट नॉट माय डे। माय फुल नेम इज आत्मानंद। फुल नेम आत्मानंद? आपसे नहीं, यहाँ। या सुषमा होटल, आई वाज स्टेइंग विद यू, मुझे एक रूम चाहिए, आई मीन एक्सटेंशन। कोई भी रूम चलेगा क्या? खाली नहीं है? ओह नो, लिसन, क्या बात है, आपके फाइव स्टार होटल में रूम नहीं है? हाँ, अब क्या करें? चलिए लाइन के आखिरी में जाके खड़े हो जाते हैं। हाँ, इस लाइन में खड़े रहे तो प्लेटफॉर्म में भी जगह नहीं मिलेगी। इसके लिए सबको पीछे हटा के लाइन के आगे जाके खड़े होना चाहते हैं क्या? यहाँ पे लोकतंत्र है, यहाँ पे क्यू, मतदान वगैरह आज भी कायम है। या, नो, योर रूम इज बुक्ड। ओह थैंक यू। हाउ हाउ, क्या पहले से लाइन में खड़ा था, मिल गया। ये बताओ, फाइव स्टार थ्री स्टार की सुविधाएं नहीं हो तो भी काम चला लोगे? और कोई रास्ता भी नहीं। सर, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज एन एड फिल्म मेकर, सर, टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट फिल्म मेकर, ग्रेट फिल्म मेकर। आई सी, वी विल मैनेज, यू टेक डाउन हिज नेम आल्सो। आत्मानंद, ए टी एम, नो नो, माय नेम इज जस्ट आनंद, प्लीज। ऑलरेडी रिटर्न सर। इज इट अ फाइव स्टार होटल? नो, टू स्टार ओनली सर। सिग्नेचर? जस्ट नॉट माय डे। Diego Malasade. Clear glass. Sir, Saint Gobain. ये advertisement इन्हीं की बनाई हुई है। No, this advertisement he only directed. I see. From Saint Gobain. Your signature, please. मैं हर काम उल्टे हाथ से करता हूँ। Is it all right? It's okay. No problem. Thank you. Welcome. ये लो। अरे ओ मानती, जातनी उसे रूम तो आसी मास्टर जाडानो सिंग्रानो देरी क्यों? स्टॉप स्टॉप, व्हाट इज दिस? कौन? यात्री निवास का रास्ता इस तरफ है, व्हाई यू गोइंग स्ट्रेट? एपा का रास्ता भलो अछि, सेपा के वर्षा पानी सती पाई जीवा को रास्ता नहीं। अरे अकल के अंते, पैसा मैं दे रहा हूं, तुम इस तरफ जाओ। गो दिस वे। अरे देखो, सेपा का रास्ता नहीं,
गाड़ी अटकी जीव ओए इधर जाओ पागल What the hell happened, man? अपनो खुशी था। बारंबार कहूँ चाहिए ताकि पानी बहुत हो चाहिए। Hello, excuse me, yeah, thank you very much. दरवाजा खोला नहीं, चाबी। पानी आ चुका ना? भगवान आ चुका ना? ओ भगवान, where are you? क्या हुआ? बारंबार कहा था कार यहाँ लेके आने को? मैंने कहा था? तुम्हें फंसी वाला? तुझे अकल नहीं है किसी और रास्ते से आ सकता था ना? गाड़ी पैसा क्या था वो? क्या मौत जा 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 मेरा मत वो काउंट करी भी जा के पर या वो जा ना बार कौन सी तुम्हें थोड़ी बानी कल कोई पता नहीं ओह आई हैव अ रिजर्वेशन फॉर टुनाइट माय फ्लाइट गॉट कैंसिल एंड दे हैव गिवन मी अ रूम इन दिस होटल व्हाट इज दिस सर सो वेट दैट इज was a receipt it's wet because it's wet outside it's raining and I'm also wet you are mr atmanand no I'm just anand okay mr just anand your room number is 213 yes sir my key your close friend is waiting there my who mr shiva sir Yes, come in. Keep the coffee on the table. What coffee? Oh, तभी तो लगा. Welcome, sir. अभी ठीक से आनंद बुला रहे ना? तो फिर नीचे क्यों आत्मानंद लिखाया आपने? Why? Full name? मुझे आत्मा पसंद नहीं. ना ना आत्मा को नहीं छोड़ना चाहिए आनंद. मो पम्येन सर्वत्र समं पश्यति ओर जना. ओ आपको ओरिया भाषा भी आती है क्या? एक है समझा के भाई. Sanskrit. मिस्टर महर्षि व्यास व्हाइट बियर्ड महाभारत भगवत गीता हिमालय में बैठ के लिखे लिसन मुझे इरिटेट मत कीजिए आई हैड अ वेरी बैड डे मुझे इतना गुस्सा आ रहा है मैं कुछ कहूं तुम क्या कहने वाले हो ये मैं जानता हूं कहने वाले भी नहीं पूछने वाले हो और क्या पूछने वाले हो ये भी जानता हूं क्यों ग्रहों की तरह मेरे इर्द-गिर्द घूम रहे हो आप यही नहीं पूछा और क्या पूछूंगा क्यों नहीं पूछोगे भुवनेश्वर एयरपोर्ट से लेके यहां तक जरा भी भिगोए बिना ये जो लाया हो नहीं पूछोगे थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है यहीं से बात कर लो ना क्या पर्सनल कॉल है बिना सर पैर की ये बिना सर पैर की आप बंद कीजिए बिना सर पैर के यानी मेरी तरह मेरे तो पैर भी नहीं है हाथ भी नहीं है लेकिन सर तो है हाय हैंडसम सॉरी ये मैंने बाहर ही अभी अभी पैर उठा के ऊपर रखा मैं थैंक यू मेरे सेलफोन के बदले ये बैग हिसाब बराबर हो गया ये कचरे की बू कहाँ से वो मैं ही तुमसे तो जाके नहा लो मुझे फोन करना है ये फोन वोन बाद में कर लेना थोड़ी देर बाद गर्म पानी नहीं मिलेगा जाके नहा लो जा ओके हेलो मिस्टर आनंद हैज गॉन फॉर हिज बाथ हे गिव मी दैट क्या कह रहे आनंद ही कहा आत्मा जानता हूं बस इसी की कमी थी मैं क्या बाथरूम के अंदर चला गया था आई कांट एंटर द कॉल हां ये कोई पब्लिक कॉल ऑफिस है क्या हां यार जानता हूं मेरे ऑफिस है तू भी यार अच्छा बोल घर से फोन क्यों नहीं आया फोन किया मिस कॉल ठीक है उन्हें फिर से फोन करने बोलो ओके क्या सर मिस कॉल आया चार मिस्ड कॉल्स तुम्हारे सामने बात करने से इतने टूट पड़ रहे हो तुम्हारी गहराजरी में क्या होगा चार मिस्ड कॉल्स ये आशा कौन है आनंद वो तो मेरी आपको भी संभालो ये मिस्ड कॉल में आशा 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 आ रही थी कौन है वो आपको सब कुछ जानना है क्या जानकारी हासिल करने की भी कोई सीमा होती है मैं नहा कर आता हूं साबुन के बदले सेलफोन मत लगाना ये लो टॉवल है क्यों आनंद शवर नॉजल ही गिराना ये बकेट वकेट सब बकवास था क्यों सर आपने पहले क्यों नहीं बताया कि शवर नॉजल ढीला अरे मैंने बार बार कहना चाहा लेकिन मैं हमेशा शवर में ही नहाता हूँ कहकर तुमने काट दिया उसके बाद लंगोट के बारे में बात कर रहे थे ना तभी मैंने बताने की कोशिश की तुमने कान में नहीं लिया सर पे ले लिया साइंस बहाना बनाना तो कोई आपसे सीखे एक मांगो हजार मिलेंगे आनंद भैया तो सूझ गया है कोई बात नहीं सर सूजन से कोई परेशानी खून आए तो ही खतरा क्यों क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है आसानी से नहीं मिलता
मैं तो ओ पॉजिटिव हूँ। मैं ओ। तुम भी ओ हो, अभी अभी कहा ए भी नेगेटिव है। मैं ए भी नेगेटिव, आप ओ, और ये जो ओ है कंफ्यूजन। हेलो, हाय हनी, आनंद हियर। हाँ हाँ हाँ, तुमने सही सुना, यहाँ बहुत बड़ा तूफान आया और बाढ़ भी, ट्रेन प्लेन सब कैंसिल है। मैं क्या कर सकता था, मेरे पास फोन नहीं था ना। हाँ नहीं, ये तूफान नहीं है, ये पिलो है यार, इट्स अ फेलो, आई मीन इट्स अ फेलो विद अ पिलो। इससे तो बाहर का तूफान ही अच्छा है, बेटर मैं बाहर जाकर बात करता हूँ। ये आदमी इज अ वेरी नाइस जेंटलमैन, एक फ्रेंड जिनसे यहाँ मुलाकात हुई, बातों से मेरी जान ले रहा है, हर बात के लिए क्वेश्चन और एक सजेशन। हाँ हाँ, हेल्प करने बहाने टॉर्चर कर रहा है वो। हेलो हेलो, अच्छा तो लैंडलाइन में फोन करोगी, एक मिनट नंबर देता हूँ। ये इट्स गॉड फॉरसेकन होटल। हेलो, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, या प्लीज। ओफो, आई कांट टेल यू, ये तो बिल्कुल जोकर है। नो नो नो, ये रम्मी वाला जोकर नहीं, रियल जोकर है। हे, तुम भी इन्हीं की तरह बात करने लगी हो। अरे अरे आनंद आनंद, चलो कहीं मत है, तैर के बाहर आ जाओ। नो, आई कैनॉट स्विम। क्यों भाई, जान जाने के वक्त भी हिंदी में नहीं बोलोगे क्या? मुझे तैरना नहीं आता। ये हुई ना बात, ये लो इसे पकड़ कर बाहर आ जाओ। मुसीबत के समय सब चलता है, बहुत जरूरी है। सॉरी आनंद, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। क्यों, अभी तक मरा नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बातें मत करो। अब सोचो, अफसोस कर रहे थे कि फाइव स्टार होटल में कमरा नहीं मिला, अगर मिलता तो उसके सातवें या आठवें मंजिल से नीचे गिरते। आप कुछ तो अच्छा नहीं सोच सकते क्या? ऐसा कुछ नहीं, सॉरी। अरे आनंद, उसको प्लग में मत डालना, वो उसका माइक्रो प्रोसेसर भीग गया होगा, उसको प्लग में डालने से आग का खतरा, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। आपको ये सब पता है, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, लेट मी डू माय वर्क मैन। ठीक है, गो अहेड गो अहेड। हर बात में एक ओपिनियन, एक सजेशन, आई मीन देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। मैं क्या कोई बच्चा हूं, हर चीज में एक एडवाइस? मैंने क्या भाई, क्या सेलफोन यूज नहीं किया? मैंने कितने सेलफोन यूज किए, चार्ज किए, और वो सब पोलियम। हंसिए मत, it happens man. Yes it does. Hello, hello, please tell me. Reception, I want to make a very urgent call to Chennai, please. Sir, it's a no STD. No STD? Trunk call? Messaging? No sir. Email? No sir. Telegram? No. Then how? Kabutar? Ha, kabutar. Pura? What pura? Pardon me? Very fine. Hello? Thank you. Hello? Aap aur main Chennai pahunchte pahunchte budde ho jayenge. Baap re, ab mujhe tasalli mili. Kyun? मजाक वजाक भी कर रहे हो, लेकिन पता नहीं हंस सकता हूँ या नहीं। हंसू? इस होटल में आने वाले सभी हस्बैंड वाइफ है क्या? एक ही बेड लगा के जान ले रहे हैं? अभी आपको और मुझे इसी बेड में एडजस्ट। सर, मेरा ये मतलब नहीं था, आप इसमें किस तरह? नहीं नहीं, मुझे जमीन पर ही सोना पड़ता है, बैक प्रॉब्लम, स्पाइन में डिस्क स्लिप, एक्सीडेंट, यू नो, हार्ड सरफेस में ही लेटना पड़ता है। आर यू श्योर? ओए, आर यू ओके? या या, आर यू श्योर यू ओके? Yeah, okay. Okay then. Good night, Mr. Shiva. Mm. Oh, gee. क्या हुआ? Unbelievable man. क्या? हवा, बारिश, तूफान, बाढ़। ये सब उड़ीसा में आम बात है आनंद। हर साल तूफान चेन्नई की तरफ बढ़ता है और ऐन वक्त पर आंध्रा और उड़ीसा पर हमला कर जाता है। बेचारे। यहाँ बड़े बड़े लहरें भी उठती हैं। कभी कभी सुनामी भी आती है। अब तो सुनामी के बारे में जानते ही होंगे। क्या बताओ? मेरी कैपेसिटी से बढ़कर किया। वेरी गुड, तुम तो यूएस गए ही होगे। ये न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई क्या है बताओ? 300 फीट। वेरी, क्या कोई एग्जाम चल रहा है? मुझे आपकी स्टूपिड कॉम्प्लीमेंट्स नहीं चाहिए। नहीं आनंद, तारीफ कर रहा था। उसकी ऊंचाई 300 फुट है ना, यहाँ 250 फीट के लहरें आती है। या ओरिसा में? आनंद, लोग कह रहे थे। इम्पॉसिबल, मैंने जो सुना वही कह रहा हूँ। वैसे तो 50 फुट की लहरों को तो मैंने खुद देखी। ओवर एग्जैजरेट मत कीजिए। नहीं नहीं, कोई एग्जैजरेशन नहीं है, मेरे पिता को भी ऐसी एक लहर ले गई थी। लेकर गई मतलब? ले गई माने ले गई, वो मुझे फोटोग्राफी सिखा रहे थे, बड़े बड़े लहरों के साथ उनकी फोटो खींचने के लिए कहा, लहरें भी आई, मैंने तस्वीर भी खींची, बस वो चले गए। चले गए मतलब? बॉडी नहीं मिली तो यही हुआ ना कि वो चले गए। I'm sorry, Mr. Shiva.
Excuse me, I want a first class train ticket to Chennai, please, by Coromandel Express. All train cancelled. What? Cancelled. Excuse me, I'm a taxpayer. You're answerable to me. Tell me one good reason why I can't take a train to Chennai. What is this you're showing? ये कोई रेलवे स्टेशन है या हार्बर? क्या? कुछ नहीं यार. टाइम. It's a bad time. Time, time. Hey, 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 stop, stop. Hey, police, emergency. Hey, stop, stop. Hey, stop, stop there, stop there. Hey, hey, stop, stop, stop. मुझे तैरना भी नहीं आता. Hey, 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 decoy, decoy. Hey, robber. Hey, मेरे पैसे ले रहा है. Hey, hey, रोको, रोको इसको. Hey, hey, stop. Give me my purse. एक तो चोरी ऊपर से सीधा चोरी. मेरे पैसे निकाल रहा है तू. हो सकता है वो अंग्रेजी नहीं जानता हो. बहुत जरूरी है, मेरा पर्स लेके दौड़ रहा है वो. ये तुम्हारा पर्स नहीं है. पर्स मिस्टर, जो पैसे थे वो लेके भाग गया. यहाँ पुलिस नहीं है, पुलिस पुलिस स्टेशन. रेलवे स्टेशन ही पानी के अंदर है. इस हालत में पुलिस स्टेशन कहाँ होगी? उस कोने में हो सकती है. सर प्लीज. ए चोर, डोंट टच माय बैग, डोंट टच माय बैग. अरे रुको रुको रुको, वो मेरे पहचान वाले हैं, तुम्हारे चीजों को संभाल के ले आए. वो चोर नहीं, आप कैसे जानते हैं? मैं चोर नहीं हूँ साहब, बरसों से मैं कामरेड का दोस्त हूँ. ये मेरे दोस्त हैं मिस्रो, ये आनंद डायरेक्टर. I'm sorry, मैं आपको भी चोर समझ बैठा. खैर कोई बात नहीं, हमारे शहर में आपके पैसों की चोरी हो गई, इसका बड़ा अफसोस. No problem, क्रेडिट कार्ड है, मैं बच गया. ठीक है, तुम्हारा वो बैग. वो बैग? नहीं नहीं नहीं, वहीं पर रहने दो, हम जाके ले लेते. और ये बैग. ये बैग? नहीं नहीं, हम लाते हैं. डोंट लाफ मैन, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, चोरों से कभी मेरा वास्ता नहीं पड़ा. तुम क्या समझते हो, हम लोग चोरों की एक मंडली बना के क्लब चला रहे हैं? होटल वालों से पूछते तो वो बता देते कि आज सारी ट्रेनें कैंसिल हैं. ये तो मुझसे पूछते, मैं बात करी नहीं सारी. ये ना होते तो ये बैग ही नहीं मिलता. इस बैग में कितने रुपए हैं तुम जानते हो? नहीं जानता. हाँ मेरे पास कितने हैं ये मैं जानता हूँ. 4,000 मेरी माँ ने क्रेडिट कार्ड बचाया. इसमें 25,00,000 रुपए. सच बोल रहा हूँ, इसे बताना मैं. ये कौन सी बड़ी बात है, पानी के भाव से ऊपर चढ़ गई होगी. नहीं मैं नहीं चाहता. आपके साथ आपकी कोई बहन भी है? नहीं तो चलो. अच्छा है, चलिए. ओए इन लोगों को तो बोलना है, क्यों गाली दियो? क्या है मिस्टर, क्या बोल रहे हो? इनके साथ कोई बहन बहन नहीं आई है, इस तरह की गाली देना गलत है, टेक्निकली रॉन्ग, यही बोल रहा था. अभी इसी की कमी थी, ऊपर से टेक्निकलिटी. डोंट लाफ, इट्स वेरी इंसल्टिंग. हां बिल्कुल बिल्कुल, ये जगह बहुत बुरी है मिस्टर, गाली समझ में नहीं आती. हम सीधे उड़ीसा बॉर्डर जाते हैं, वहाँ से आंध्रा पार करके चेन्नई पहुँच गए तो गाली समझ में आएगी. सो फनी, वेरी फनी. मेरे पास 15 रुपए, आपके पास 5 रुपए, इस पैसे के साथ हम उड़ीसा बॉर्डर तक कैसे जाएंगे? जरूर जा सकते हैं, बस में. इतने थोड़े पैसे में कैसे जाएंगे? इतने में भी सीट मिल जाएगी, आओ ना. सर ये आदमी तंबाकू खाया हुआ है, या तो तंबाकू खाने के लिए गई है या फ्लूट बजाना बंद कराइए. क्यों? सर ये फ्लूट के जरिए मुंह पर तंबाकू के छींटे पड़ रहे हैं. सर ये बहुत अनहाइजीनिक है. हम जहाँ भी जाए लोगों के साथ घुल मिलना चाहिए. रिमोट के जरिए कंट्रोल करने के लिए लोग तुम्हारे टीवी सेट नहीं है. आई नो दुनिया, आई नो पीपल. खाम का हर बात को लेकर मुझे ट्रीट मत कीजिए. बोल दिया. आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट एंड आई एम फ्रेंडली आल्सो. हाय आनंद भैया. तुम ठीक है भैया? हाँ. सी गोली खाई वो? ओह थैंक यू. मत खाने को बोलिए सर, मत खाने को बोलिए. मत खाओ. क्या हेलो, देश भर में मैंने कई ढाबों पे खाना खाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं. आई गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम एंड माय हेल्थ इज आल्सो वेरी गुड. यू हैव वन मोर? हां ए बेसी खाई बोली माता गुरी नीचे बोली जाइबा. माता? माता माता तो मां होती है. ये मुझे गाली दे रहा है क्या? सर चकराएगा. चक्कर खा के नीचे गिर जाओगे. झूठ. आपको तो उड़िया नहीं आती. उड़िया नहीं आती, लेकिन भांग की गोली क्या है जानता हूं. भांग? वो जो हेरोइन नारकोटिक्स उस किस्म का कुछ? क्या? गांजा को पीस के गोली बनाते हैं.
इसे खाने से क्या होगा? क्या होगा, झुककर देखोगे तो पेट दिखाई पड़ेगा। पिछलो पिछलो चलो 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 थमो थमो। पेट में दर्द है, चोट लगी क्या? नहीं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। इतना सब ऑर्डर कर दिया है, पैसे अलग से कहीं छुपा के रखा है क्या? सिटी बैंक कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, हांगकांग बैंक कार्ड, सभी क्रेडिट कार्ड है मेरे पास। इंडिया में कहीं भी जाकर मैं कुछ भी खा सकता हूँ। इतना है कि आपकी बस में ये नहीं चलता। बस वाले दोस्त ने जो मुझे दिया था, हाँ। वो खाने के बाद इटारी क्रेडिट कार्ड चोरी मुकी मिस्टी क्रेडिट कार्ड क्या है नहीं जानता, मीठा है कि नमकीन पूछ रहा है।
बोल दूं उसे? नहीं नहीं रहने दो, बेचारा अभी अभी तो होश में आ रहा है और पेट भर के खा रहा है, खाने तो दो। तो फिर कैश के लिए क्या करेंगे? कैश क्या हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम एक काम करो, आराम से खाना खाओ, मैं एक काम निपटा के आता हूँ। पता नहीं क्यों बार बार भूख भी लग रही और हंसी भी। अपना का बिल। सॉरी इटा कोनो टंका दियो तो। क्या बोल रहे? कह रहा है क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा, रोकना चाहिए रोकना। ये पहले बोलना चाहिए था ना, एक्सक्यूज मी नो कैश ओनली कार्ड। ओ सब बुझी नहीं, टंका ना दिले जेते पारी बुनी। क्या कह रहा है? पैसा नहीं दिया तो बाहर नहीं छोड़ेगा कह रहा है। ओए क्या बात कर रहा है, क्यों बाहर नहीं जाने देगा? मुझे जानी नहीं, टोंका दियो तो। ये गलत बात है, क्रेडिट कार्ड नॉट एक्सेप्टेड का बोर्ड लगाना चाहिए। टोंका ना दिले जाई पड़ी बोली। क्या टोका टोका लगा रखा है तूने? टोंका वो कार्ड चली बोली चलेगा। टोंका टोंका मुझे भी मालूम है, टोंका दियो। रुको 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 टोंका, देखो कैश ले लो। थैंक यू मिस्टर शिवा। अच्छा मुझे आपको कितना देना है? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये लो। ये इतने पैसे कब कहां कैसे? वो सब बाहर चल के मैं अच्छी तरह समझाता हूं, चलो मेरे साथ चलो। चल चल थैंक यू मिस्टर शिवा, ये मैं कभी। क्या है? थैंक यू एंड सॉरी। किस लिए? नहीं, स्टेशन मास्टर ने सिर्फ एक कॉल अलाउ किया था, वो मैंने कर लिया। वो आप भी कर सकते थे। मुझे इतनी कोई जल्दी नहीं थी, परिवार वालों से कहना था कि मैं आ रहा हूं। तुम्हारी बात ऐसी थोड़ी है, इमरजेंसी प्यार का मामला जो ठहरा। ये आपको कैसे पता? चेहरे को भी पढ़ लेता हूं मैं, इतना तजुर्बा है क्या? क्यों मुझे तजुर्बा नहीं हो सकता? हाँ हाँ हा, क्यों नहीं, लेकिन प्यार में? क्यों प्यार में तजुर्बा नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता है, आई मीन आफ्टर ऑल एवरी हैज इट्स डे, दे से लव इज ब्लाइंड। सो नहीं मैं कुछ और कहना चाहता था, आई एम सॉरी आई डिडंट मीन दैट। सो पहली बार कहां मिले थे? आपकी गर्ल के साथ कहां मिले थे? बीच सड़क पर बैंड बाजे के साथ। लेट मी गेस। गेस गेस। मंदिर के त्योहार में? ना। किसी बारात में? ठीक है आप वहां कर क्या रहे थे? समाचार दे रहा था। ओह सो यू आर अ पोस्टमैन। मैसेंजर सर्विस? मैसेंजर ऐसे भी बोल सकते हैं, जीसस क्राइस्ट भी मैसेंजर थे। आप कोई भी बात सीधी नहीं करते। करता तो हूं। क्या? समाचार की बात। राइट सो व्हाट माइट दैट माइटी समाचार बी? अपना हक मांगे, अब तक थे सोए हम अब जागे, इस दोजे को
अच्छी कहानी एकदम नहीं है। घमंडी हीरोइन, रेवोल्यूशनरी हीरो, नाइस स्टोरी, सुनने में अच्छी है। ये स्टोरी नहीं है, मेरी जिंदगी है। वही आपकी जिंदगी। जैसे तुम समझते हो ऐसे मालती कोई घमंडी लड़की नहीं थी। एक्सक्यूज मी, कोई बात नहीं, तुम उसे थोड़ी जानते थे। पहले मुलाकात में मैंने भी उसके बारे में ऐसे ही सोचा था। जब दूसरी बार मिला तब पता चला। पता है दूसरी बार कहाँ मिला? मैं और मेहर। टॉमी को बांध दिया ना? ओ शट अप टॉमी। हेलो मालती। हाउ आर यू अंकल? फाइन। दिस इज माय आंट। नमस्ते। या आई एम फाइन। मैं अपने दोस्त से मिला थी। हेलो। हाय। हेलो मिस्टर। हेलो। हेलो। दिस इज मनोहर। अंकल, आप मेहमानों का ख्याल रखेंगे ना? ओके। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? तुम ठहरो। साहब अंदर ही हैं। इन्हें भगा दूं क्या? या रुको रुको, यहाँ क्यों आए हो? किसे मिलना है? कार्टूनिस्ट मदन जी ने हम दोनों को यहाँ ऐसा कोई नहीं है, बाहर निकलो। सर सुनिए, उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया था। कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, इन्हें अंदर आने दीजिए। आपके गेस्ट है, आइए आइए। नमस्ते। अंदर आइए। कम ऑन शिवा, क्या बात है शिवा, हम एक साथ तो निकले थे, फिर इतनी देर क्यों लगाई? आप तो आराम से अपनी कार में आ गए, हम लोग टू व्हीलर पे आए। ऊपर से यहाँ के ये कुत्ते। सबको डिनर के लिए बुलाइए। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, खाना तैयार है, सब लोग अंदर आइए। हेलो मिस्टर मदन। हेलो मिस्टर रंजीत। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्सक्यूज मी, आई वुड लाइक यू टू मीट माय फादर मिस्टर श्याम प्रसाद परिहार। इतनी हिम्मत की शेर की गुफा में आके तुम अपनी मूंछों पे ताव दे रहे हो? पल भर के लिए सोच रहा था कि परिहार साहब हमारे ट्रूप में होते तो कैसे नाचते। एंड दिस इज माय फादर मिस्टर श्याम प्रसाद परिहार। प्रणाम, सादर प्रणाम। ये लड़की कौन है बेटी? ये अब मेरे साथ आइए। सॉरी, मेरा नाम मेहरुनिसा। बात खूब, मेरे घर में सभी धर्म मौजूद हैं, क्यों भाई? हाँ बिल्कुल। हर हर महादेव, शंभु शंभु। पापा, मदन अंकल। अरे आइए 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 आइए, आज सुबह से मदन जी आ रहे हैं, मदन जी आ रहे हैं, बोल बोल कर मालती झूम रही थी। भाई जी, हरी कमीज वाले ही मदन जी हैं। क्या मैं इतना भी नहीं जानता? क्यों मदन साहब, मैं तो अपनी जिंदगी बिजनेस, बॉल बेयरिंग, कॉर्पोरेटर, इन सब के बीच बिता रहा हूँ, इसलिए लोगों का चेहरा याद नहीं रहता। ऊपर से आपने दाढ़ी जो रख ली है, इसलिए अचानक आपको देखते ही इन्होंने दाढ़ी कब से रख ली बेटी? मैं तो हमेशा ही दाढ़ी में रहा। अच्छी है अच्छी है। सब सुनिए, गाड़ी छूट जाएगी, इस डर से कोई भी परेशान मत होना। आप सबके पहुंचने के बाद ही गाड़ी यहाँ से निकलेगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप सब आराम से खाना खाकर यहाँ से जाएंगे, ठीक है मदन साहब? तो मैं चलूं? जी हाँ, आप खाना नहीं खाए? शिव शंभु शिव शंभु, आज ये खाना नहीं खाएंगे, व्रत है। आज मैं पानी तक नहीं पीता। आप खाइए बेटे, सबका ख्याल रखना। मेरी पहचान नहीं कराओगे? मेरे ससुर जी, नमस्ते। रिटायर्ड मैजिस्ट्रेट, इस उम्र में भी पार्टी में आ जाते हैं। आखिर मेरी उम्र ही क्या है। लो तुम्हारी बनाई हुई डिश। ओके थैंक्स। ओके उसे ले आना, जल्दी ले आना प्लीज। वो जो फाइटर होता है। ओ नो नाना जी, व्हाट हैव यू डन? अरे कोई है यहाँ आके साफ करो। रहने दीजिए नाना जी, आप अंदर जाइए ना प्लीज। सॉरी, सब लोग मुझे माफ कर दो। दादा जी, इट्स ऑलराइट। सॉरी, आई एम सो सॉरी। फिक्र मत कीजिए, एक्सीडेंट्स हैपन। मैंने इनसे कहा। डोंट वरी मालती, क्यों परेशान हो रही हो? शिवा इधर आओ, देखो डाइनिंग टेबल पर एक अच्छी पेंटिंग बन गई। मजाक मत उड़ाइए। ये भले इनकार करे, तस्वीर तो सिर्फ हम दोनों को दिख रही है। हमें भी दिखाई दे रहा है। ओह सॉरी, आपको क्या दिखता है? ये मछली, वो घोड़ा। ठीक है, तुमको क्या दिखाई दे रहा है? ये तो वाओ, बहुत कुछ दिख रहा है सर। I think Shiva is getting into the mood. Really? Come on, Shiva. Maharaj. ब्यूटी को हिनोर लगाने के बाद ताज तैयार। ये बकरे का क्या करें? ले जाके बिरयानी बनाओ। Please accept this cup.
Wow, wow, that's a great piece of improvisation. Can I take a photograph of that? Why not? Okay. You want more height? But how do I do that? height. ये टॉयलेट बाथरूम किधर है? इस तरफ है। थैंक यू। ज्यादा पगार के लिए तो हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। ज्यादा पगार कैसे दें? 910 कम है क्या? 5 साल से यही देते आ रहे हैं। 150 बढ़ा दीजिए, बंद कर देंगे। बहुत अच्छे, इस तरह 100-100 रुपए बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पोते फैक्ट्री के मालिक न रहकर मजदूर बन जाएंगे। लेकिन पगार साहब, बाद में ये लोग स्ट्राइक की नोटिस जारी करेंगे। अरे कैसे जारी करेंगे, उससे पहले हम लॉकआउट डिक्लेयर करेंगे ना। लॉकआउट? पर वो हमारा ब्रह्मास्त्र है, किसी को भनक न लगे। हम लॉकआउट डिक्लेयर करेंगे तो सरकार क्या चुप रहेगी? वो तो उनकी ही तरफदारी करेगी। चुप भी रहिए शर्मा जी, वो केवल ड्रामा करेंगे। चुनाव के वक्त नेताओं को पैसा कौन देता है? हम ही ना, ये मजदूर थोड़ी देते हैं। गवर्नमेंट कुछ समस्या नहीं करेगी, इसे गारंटी दे सकते हैं? बोलिए। जरूर, नेताओं को एक बार ही पैसा देकर काम निकाल सकते हैं, पर ये हर महीना पैसा बढ़ाना मुझे मंजूर नहीं। हड़ताल को गैर कानूनी करार करवाना मेरी जिम्मेदारी है। सब लोग सुनिए, जब तक मैं हूँ तब तक मजदूरों की पगार सिर्फ 910 ही होगी, उसके ऊपर एक नया पैसा भी नहीं बढ़ाऊंगा, आप भी नहीं बढ़ाना। ये आवाज कैसी है? आवाज आवाज कुछ नहीं है, बेबी नीचे आर्टिस्टों के लिए पार्टी दे रही है ना, उसी का शोर शराब है। hey, कौन है वहाँ? सभी दरवाजे एक जैसे हैं तो पता नहीं चल रहा था बाथरूम कौन सा है, वही ढूंढ रहा था। ये तो आप मुझसे भी पूछ सकते थे, वहाँ सीधा जाके। नहीं, नेवर माइंड, पता चल गया, थैंक यू। नाइस बुक्स, ये सारी किताबें आपने पढ़ी हैं? सिर्फ डेकोरेशन के लिए समझ लिया क्या? आई मीन लुक स्टूपिड, बट आई एम नॉट। नो, आई डिडंट मीन दैट, आई एम टेरिबली सॉरी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन कैसे कहूँ नहीं जानती, आप हेल्प कर सकते हैं? क्या कहने वाली है, जाने बिना हेल्प कैसे करूं? सॉरी बोलना चाहती थी, लेकिन कभी कहा नहीं। किस लिए? हर बात के लिए, उस दिन सड़क पे और आज घर पे। सॉरी, कम से कम एक बार भी सॉरी नहीं कहूं तो मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी। कई बार कह चुकी हैं। आपको मेरे लिए काम करना होगा। कहिए। एक नहीं, दो। पहला, आपके कदम मेरे स्टूडियो में पड़े। ये क्या अहिल्या की तरह, आपका स्टूडियो कहाँ है? इस तरफ।
शर्मा रही है। उधर देखिए भाई जी, उसने कर दिया। ये क्या कह रहे हो? आइए बता दो, आइए ना। छोड़ना, वहां देखिए भाई जी, झरने में क्या बह रहा है देखिए। पानी बह रहा है, 910 बह रहा है। हाँ बिल्कुल, हम वर्कर्स को जो पगार दे रहे वो है खिंचाई, हमारी खिंचाई की है। अब उस तरफ देखिए, कार्ल मार्क्स की तस्वीर देखिए, अब शिवजी के सर पे देखिए, दरांती और हथौड़ा है ना, आप शिवजी को ही देखिए, बताइए कौन है? वही है। ये सब कुछ मैं नहीं जान सका, तू कैसे जान पाया? भाई जी, जब मैंने उस तस्वीर को गौर से देखा। नहीं भाई जी, मैंने उसके दोस्तों को बात करते हुए चोरी छुपी सुना, उसको अंदर आने दिया, यही मेरी भूल थी। हाँ भाई जी, लॉकआउट की बात मजदूरों को इसी ने बताई है, इसी की वजह से उन लोगों ने हड़ताल नोटिस दी है। खैर आप सब जानते होंगे क्योंकि ये तो आपके दामाद। दामाद? क्या बक रहा है तू? क्या आप नहीं जानते? ठीक है रहने दीजिए। कैसे रहने दो, साफ साफ बोल। मैं नहीं बोल रहा, पूरा दफ्तर बोल रहा है। तस्वीर के साथ साथ इनके दिलों में भी मोहब्बत का रंग भर गया है। एक तो आपने ऐसे बंद करवा दिया, इसलिए दोनों में गर्मी चढ़ गई। देखिए देखिए, आप खुद देख लीजिए भाई जी, इसको बढ़ावा मत दीजिए, बढ़ने से पहले खत्म कर दीजिए, नहीं तो पानी सिर के ऊपर निकल जाएगा। वो आ गया, मेम साहब भी साथ में हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो, मैं धर्मा। हाँ साहब, धर्मा का फोन। हेलो, मैम साहब जा चुकी है। उस सेट अप का तो पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम रुको, हम लोग अभी आते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं, हम खुद ही चले जाएंगे। अरे ऐसी गाड़ी थी, ठंड लग गई है, ये तो रुकने वाली चीज नहीं है ना। क्या हम लोगों को जल्दी नहीं है? हम लोग सड़क पे सिर्फ नौटंकी कर सकते हैं, ये सब नहीं। अरे ओ बेशर्मो, पूरे मर्दों का नाम खराब कर दिया तुम लोगों ने, किसी भी चीज में कंट्रोल नहीं। क्या करे कॉमरेड, अब रहने भी दो ना। अच्छा वो कार से है वरना और लेट हो जाते। क्या ढूंढ रही है? चाबी तो शिवा के पास रह गई। तुम लोग चलो, मैं लेकर आती हूँ। ये सब पहले से देखना चाहिए था ना, जानबूझ के थोड़ा भूली हूँ। शर्म कहीं के, ये काम तो यूनियन ऑफिस में भी कर सकते थे ना। अरे छोड़ो ना कामरेड, ऑफिस में करेंगे भी तो बहकर इधर ही आएगा ना। कामरेड, चक्कू छिरी लेकर गुंडे आ रहे हैं। यही वो मुझ वाला है। ए! बोलो तुम लोग, चलो फुटो यहाँ से। ए, यहाँ से दुम दबा के भाग जा, कोई आवाज की तो काट के रख दूंगा, कल सुबह गटर में इसकी लाश मिलेगी, आके ले जाना। अब जा भागे। जो बोला गया वही करो, इनको मेरी जरूरत है, जाओ। कॉमरेड, मैं देखता हूँ, तुम लोग जाओ। काट डालो उसे। ए, ए, हट लगा है। Thank you.
खराब है, यहाँ पर रुका तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यूनियन वाले ऐसे ही होते हैं, बात तो अपना फर्ज निभा रहो बस इतना ही। किसी वकील से मिलके अपनी जमानत का इंतजाम कर लो, कल परसों कोर्ट की छुट्टी है, वरना जेल के अंदर सड़ते रहोगे। हाँ रहेंगे, सबको एक ही सेल में रखिए, आदमी औरत मत देखिए। मैडम यही अक्यूज्ड है, तुम सब बाहर जाओ। हमारे लीडर को छोड़कर हम कैसे जाएंगे? मैं बोल रहा हूँ तुम लोग जाओ यूनियन ऑफिस में। यूनियन ऑफिस को बीच में मतलब, देखिए मैं अपनी जमानत खुद नहीं दे सकता और ना ही अपनी जमानत के लिए मैं किसी और को ला सकता हूँ, तो आप अपनी सो कॉल्ड ड्यूटी कीजिए। अच्छी तरह सोच लो, दो दिन कोर्ट की छुट्टी है, तुम्हें जमानत देने वाला कोई नहीं। मैं हूँ ना। मैडम आप कौन है? I am Malti and this is my advocate. मैं मिस्टर शिवा की तरफ से जमानत की अर्जी देने आया हूँ। सुनो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये आपके क्या लगते हैं? प्रेमी, मैं प्रेमिका, मेरे पिता का नाम श्याम प्रसाद परिहार। क्या आप उनकी बेटी हैं? मैडम बैठिए प्लीज, आप बैठिए जरा, आप इधर आइए। किस लिए सर? अरे आइए ना मैडम, इसे पढ़ लीजिए और नीचे साइन कर दीजिए। क्या सर आपकी, पहले ही बताना चाहिए था, आपकी तो पांचों उंगली घी में है, नसीब होता ऐसा। कैसा? क्या कैसा, अब मुझे ही देखिए, मैं भी आप जैसा था। ब्रिज मोहन यादव का नाम सुना है? अरे उनकी पहुंच तो दिल्ली तक है, उनकी बेटी की वजह से आज यहाँ तीन स्टार है। अगर ऐसा ना करता तो किसी रेगिस्तान के सुनसान पुलिस थाने में कांस्टेबल की वर्दी पहने रेत फांकता रहता। सॉरी सर, आप सचमुच आदर्शवादी लाल झंडे वाले हैं समझकर मैं तो घबरा गया था। आप तो मेरे ही पार्टी वाले निकले, हाथ मिलाइए। अरे हाथ मिलाइए ना, ऑल द बेस्ट, जाइए आज कीजिए। अरे पांडुराग जी सर, पेपर रेडी कर। अच्छा सर। कहां से आ रही है? वो जमानत पे छुड़ा के आ रही है ना? जी हाँ, सही मायने में मुझे आपको छुड़ाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि आप बाहर। भाई साहब। सीमा रुक जाओ। ये आप क्या कर रहे हैं? वो अभी बच्ची है और वो आज की पीढ़ी की। किस पीढ़ी की बात कर रही हो? क्या मैं मर गया हूँ? मैं भी इसी पीढ़ी का हूँ, यहाँ मैं जो चाहूंगा वही होगा, जो कहता हूँ वही कानून है। तीन महीने में इसकी शादी होगी, अमीर लड़के को लाकर इसके सामने खड़ा कर दूंगा, वो इसकी मांग भरेगा, मंगलसूत्र पहनाएगा। हेलो, मैं पवन बोल रहा हूँ। मैं मालती, यहाँ सब गड़बड़ हो गया, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। क्यों, क्या हुआ? बाद में बताऊंगी, मुझे फौरन शिवा से मिलना है। यूनियन ऑफिस आ जाइए, कॉमरेड भी आते ही होंगे, यहीं पर बात हो जाएगी। नो, वहाँ मैं आई तो पापा को पता चल जाएगा। कोई बहाना बनाकर हमारे थिएटर में आ जाइए, वहाँ तो मैं ही ऑपरेटर हूँ, कॉमरेड को भी बुला लूंगा। आपस में बात कर लीजिए। ठीक है, जाकर इन दोनों की शादी करवा देंगे, वहाँ तो हमारी पार्टी मजबूत है। करेक्ट, और हनीमून के लिए कर्नाटक भेजेंगे। शादी में हम भी आ सकते हैं ना? दो ही तो गवाह चाहिए। अच्छा आइडिया है, मगर इससे बेहतर कुछ बताओ। एक और आइडिया है, बाद में बताऊंगा, क्या अब इनमें इतने लोगों का जमा होना मना है। चलो चलो सब उठो यहाँ से। क्या बकरा है? मुंबई से भाई साहब का फोन आया था, मॉर्निंग फ्लाइट से बेबी वहाँ नहीं पहुँची है,
यहाँ एयरपोर्ट में तू इसे छोड़ने गया था? हाँ भाई जी, मैं सिक्योरिटी चेकते ही जा सका, उसके बाद पता नहीं कहाँ गई होगी। सुनने में आया है कि वो यूनियन वाला लड़का और हमारी बेबी केरल में जाकर चोरी छुपे आजकल में शादी करने वाले। वो कहाँ है? खबर मिली है कि सुबह केरल जाने वाली बस से वो निकल चुका है, हमारी बेबी भी उसी के साथ होनी चाहिए। बचे हुए लोगों का नाम है? शिवा नाम का एक आदमी और एक लड़की। लड़की का नाम? लड़की का नाम पार्वती। शुक्र है हमारी बेबी का नाम नहीं। ए, घर से भागने वाली लड़की अपना नाम भी तो बदल सकती है। चल गाड़ी निकाल। भाई जी, यहाँ तो छोटी बच्ची है, अपनी मालती नहीं है। हर हर महादेव, शंभु महादेव। लेकिन भाई जी, वो यहाँ है। एक्सक्यूज मी, ही इज सीरियस। ये विजिटिंग आवर्स नहीं है। ये साहब का पहचान वाला है। शिवा, डू यू नो दिस जेंटलमैन? जान बच जाएगी क्या? बचने के 20% चांस है। पेशेंट से ये मत बोलना। वी आर गोइंग इन फॉर सर्जरी। उसकी हिम्मत बढ़ाना और प्यार से बात करना। बट ज्यादा टाइम बात मत करना, ओनली 10 मिनट्स। प्लीज गिव हिम सम होप। भाई जी, खुद एक हॉस्पिटल के मालिक हैं सिस्टर। ओनली 10 मिनट्स। फिक्र मत कर, तेरा मुंह थकी से दबा कर तेरी जान नहीं लूंगा। मैं उस किस्म का आदमी नहीं। क्यों रे,
हजारों मजदूरों के घरों में चूल्हा चलता है मेरी वजह से, और मेरे ही घर को तबाह करने निकला तू? हर हर महादेव, हर हर महादेव। पता है कितने वर्षों से मैं पूजा पाठ करता आया हूं, एक दिन भी नागा नहीं किया। जब विदेश गया था तब भी शिवलिंग साथ ले जाकर उसकी मैंने पूजा की। ये क्या कोई फिल्मी कहानी है हा? जो तू अमीर घर की लड़की को ले जाकर झोंपड़े में बसाएगा, ये हकीकत है। ए सुन, हकीकत क्या है तुझे बताऊं? मैं रोज सुबह शाम पूजा करता हूं, यही हकीकत है। मैं चाहता था तुझे पल भर में मिटा सकता था, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर तुझसे हिसाब लेगा, मैं जानता था। ये वरदान है मेरे लिए, वरदान। क्यों रे, हाथ में फटा हुआ लाल झंडा लेके भटकने वाले को करोड़पति की बेटी चाहिए? भाई जी, दो मिनट नाक बंद कर दीजिए, क्लोज हो जाएगा कमबख्त। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, सब वो देख लेगा, ये सब उसी की तो लीला है। नर्स की बात सुनी? तेरे जिंदा बचने के सिर्फ 10% ही चांस है भाई जी, 20%। ए, 10% मैं निकाल रहा हूं, अब ये कहां बचेगा? वो 10% भी सिर्फ ख्वाब है। 10% जान के साथ जिंदा लाश की तरह लेटने वाले तुझको मैं भला अपनी बेटी कैसे दे दूं? बोल राजा, नहीं दे सकता ना? ये मेरा फैसला नहीं, भगवान का फैसला है। मरना है तुझे, सुन लिया? मरना है तुझे। What is all this? I told you only 10 minutes. ये जल्दी से ठीक हो जाए उसके लिए प्रे कर रहे हैं। No, 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 no. Out, out, out. My God. Doctor, doctor, आप बाहर जाइए।
ठीक है ठीक है, यहाँ क्यों आया? मालती से मिलने आया हूँ। वो विदेश में सेटल हो गई, उसकी शादी हो गई। कब? 4 महीने हो गए। चार? खुशखबरी आई है कि वो मां बनने वाली है। ऐसे मौके पर प्यार व्यार की बात छेड़कर उसकी खुशियां मत छीनना। कहते हैं शादी के लिए सैकड़ों झूठ बोलना जायज है। अपनी बेटी के लिए मैं हजारों झूठ बोल सकता था, पर मैंने सिर्फ एक झूठ बोलकर उसकी शादी कर दी। कहा कि तुम मर चुके हो, और उसने मेरी बात मान भी ली। कुछ दिनों तक रोती रही, बाद में मेरी परेशानियां देखकर वो शादी के लिए मान गई। एक बाप के जज्बात को समझो, जान लोगों की मैंने सही किया। एक झूठ बोलने का पाप मैंने जरूर किया है, कत्ल का पाप मुझ पर मत थोपना। सुनो, ये मत समझना कि धमकी दे रहा हूं। रुपए पैसे की जरूरत हो तो बोल देना, जितना चाहिए मैं दूंगा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुम्हारे पैसों के आगे झुककर या ताकत से घबराकर मैं यहां से नहीं जा रहा हूं। तुमने जिस प्यार का नाम लिया था, उस प्यार की खातिर जा रहा हूं। तुम्हारे भगवान ने तुम्हें जो वरदान नहीं दिया, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हारी बेटी के लिए मैं मरा हुआ ही रह लूंगा। अरे कल मुहे दिखता नहीं का? जुग जुग जियो बाबूजी। उधर का देखा थे, वहां से तो के उठा के ले गए थे, तब हम ना ही सोचते कि तुम जिंदा लौटोगे। ये तो डॉक्टरों का कमाल है। काय का डॉक्टर, तुहार माँ बाप का पुण्य राजा तू बच गए, हमार माँ बाप का पुण्य राजा हमारी दुकान बच गई। कहते कि मौत के मुंह से लौटने वाले भगवान समान होवत है, तुम भगवान हो बाबूजी। वो तो तुम भी हो। हम का? इस तरह प्यार करने वाले सभी मेरी नजर में भगवान के समान है। इतने में तो अच्छा लगते। ए, या, कल मुही कही के कितनी बार कहे कि ये सब उठा के अंदर रख दे, जब देखो खाते रहते। बाबूजी सुनो, तोहरे खातिर मुर्गी बना रही हूँ, आराम से खा के जाइयो। हमरे खातिर बक बक काहे करत हो? बाबूजी दूसरा जन्म लेके आए हैं, इसलिए मुर्गी खिला रही हूँ। काम धाम नहीं करते, मुर्गी चाहिए। दीदी मुर्गी से याद आवा, पहले वो सनिचरा के मार के उका खून से बाबूजी के पैर का मालिश कर। वो बेचारा का किया भैया? ये सब तो किया धरा हुए के है। कौन है ये सनिचरा? वहाँ जो कुत्ता लेटा है वह के बोलत है। कौन बुलावे नहीं जावत है, खाना देख दौड़ पड़त है, ज्यादा चर्बी चढ़ गवा है। Water mandal may be arrived. Get ready. Oh, sir. Yellow mineral water. Ye biscuits. Thank you. क्या हुआ? ट्रेन तो आने ही वाली है ना? यहाँ भी क्रेडिट कार्ड नहीं चलता। टिकट तो ले लिया है, क्यों? लेकिन सेकंड क्लास, इतनी बड़ी ट्रेन में एसी कोच ही नहीं है। चलो ना। छोड़िए सर।
इस बारिश में कोई भी क्लास हो, चेन्नई पहुंचने से मतलब रखो ना। हाँ हाँ, रहने भी दीजिए सर, ये एक ऐसा देश है जहाँ पैसे देने पर भी कुछ नहीं मिलता। That's India for you. पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है, ऐसे समझने वाले लोग जब तक हैं, तब तक that will be India for you. क्यों नहीं? आप जैसे कम्युनिस्ट की नजर में दुनिया में सबसे बेहतरीन देश सोवियत यूनियन ही है। अब मैं ऐसा नहीं कह सकता। हाँ, मान जाइए ना। आप माने या ना माने, लेकिन सच ये है कि सोवियत यूनियन नाम का कोई देश ही नहीं, वो टूट कर चूर चूर हो चुका है। अब सोवियत यूनियन नहीं रहा तो कम्युनिज्म नहीं रहा, तो फिर उसकी क्यों माला जप रहे हैं? मिस्टर रोमियो, अब समझो ताजमहल मिट्टी में मिल गया, तो क्या तुम लोग प्यार करना बंद करोगे? ओके, वेरी क्लेवर, बट मिस्टर रेड, लव इज अ फीलिंग। कम्युनिज्म भी वही है, एक फीलिंग। कार्ल मार्क्स से पहले ही बहुत से लोगों को इसका एहसास हुआ था, लेकिन कार्ल मार्क्स ने उसके बारे में लिखा और फिलॉसफी बनाई। इसके बारे में तुमसे बात करना बेकार है, या फिर तुमको इसके बारे में बात करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेन आ गई। ओह, ट्रेन आ गई, थैंक गॉड। मैं क्यों नहीं पूछ सकता? कहूं तो बर्दाश्त करोगे? ऑफ कोर्स, गो अहेड एंड हिट मी। बिकॉज यू आर अ सेल्फिश कूली। एक्सक्यूज मी, अपने विदेशी मालिकों की कमाई के लिए टूथपेस्ट, कूल ड्रिंक्स, सोप वगैरह टेलीविजन में चिल्ला चिल्ला के बेचने वाले टट्टू हो तुम लोग। शिवा, दैट इज माय बिजनेस, ओके? आप बिजनेस के नाम पे सब कुछ बेचने का नतीजा देखा? यहाँ तक कि हल्दी बासमती के भी मालिक बने बैठे हैं वो लोग। तुम लोगों को पैसा मिलता है इसलिए इस तरह झुक झुक के सलाम करते हो कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे बदन में रीत की हड्डी ही नहीं है। Listen, don't get personal, okay? अपनी शक्ल सूरत और हाथ पांव का तो ठिकाना नहीं, उसके बावजूद भी तेरे में इतना घमंड है? क्या ये पर्सनल नहीं है? या यू स्टार्टेड इट? हाँ, स्टार्ट मैंने किया, पर खत्म भी तो करना है। एक बात कहूँ तो इत्मीनान से सुनोगे? फैरोस ने पिरामिड बनाया था ना, तब वहाँ के पत्थर लादने वाले गुलामों की तरह हो तुम लोग। मल्टीनेशनल कंपनीज के फेंके हुए हड्डियों के टुकड़ों को उठाकर खाने वाले हैं। How dare you? एक बात करते करते मार रहे हो। मल्टीनेशनल कंपनीज की फेंकी हुई हड्डियों का इंतजार करने वाले गुलाम हो कहने वाला था। It's the same thing, Mr. Shiva. ये क्या है तुम्हारे नाक में लाल रंग, खून बह रहा है क्या? One second, I'll get tissues for you. नहीं नहीं, रहने दो, लाल रंग मुझे पसंद है। ए लाल रंग कभी मुझे You're a bad man. You're bonkers. सठिया गए हो। तुम भी तो ऐसे ही हो। देखो, ये पसंद नहीं। मुझे ये प्रोवोकेशन नहीं पसंद नहीं। बार-बार एक ही बात को कुरते रहते हो। उस नाक से भी खून बह रहा है। I'm sorry, okay? ठीक है, गाड़ी में चढ़ो। Don't feel guilty. I'm not guilty. मैं गुस्से में हूँ। गुस्सा मुझ पर? नहीं, अपने आप पर। अपने गुस्से पे गुस्सा आ रहा है। I'm sorry, okay? नहीं नहीं, ज्यादा गुस्सा मत करो, ये बीमारी है। आंखें कम्युनिस्ट बन गई हैं। वो सब मैं देख लूंगा, छोड़िए। गुस्सा ना आने के लिए एक तरकीब है, कहो तो बताओ। देखिए, दोबारा मुझे इंसल्ट मत कीजिए, ओके? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी तरकीब है, कहो तो मानोगे? क्या है? तुम भगवान पे विश्वास करते हो? ओफो। नहीं नहीं, अगर करते हो तो उस भगवान का ध्यान करके आंखें बंद करके 5 से 1 तक रिवर्स में गिनना चाहिए। गिन के देखो। ऐसा करने से तो ट्रेन चली जाएगी, तुम गिनो तो सही। ओके। शिवा, where are you? Come on out! Come on, I'll show you. दरवाजा करो. ये देख, तुम्हारा लाल कलर, तुझे बहुत पसंद है ना? ये भी गुस्सा ही है ना? लेकिन देखा मैंने कितनी शांति से, इत्मीनान से गुस्सा किया। तुमने मेरी नाक फोड़ी, मैंने तुम्हारी नाक फोड़ी, दोनों ने लाल रंग ओढ़ लिया, हिसाब बराबर, अकाउंट क्लोज, ओके? चलो, अभी दरवाजा खोलो। ओके, अच्छा। मिनरल वाटर कहाँ है? क्यों, इस पानी से नहीं धो सकते? पीने के लिए। मैंने खरीद के दिया था ना मिनरल। अरे, वहीं पे छोड़ के आ गए। जाके ले आओ, गाड़ी चल पड़ेगी। प्लीज, दर्द हो रहा है। मैं जाऊं? दरवाजा तो खोलो। हरियाप, जल्दी खोलो, पता नहीं मैं हैंडीकैप हूँ। जल्दी खोलो। खुल नहीं रहा, गुस्सा किए बिना आराम से खोलो। ओहो, अब मुझे गुस्सा आने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान को मन ही मन याद करके आंख बंद करके 5 से लेकर 1 तक रिवर्स में गिरना है, लेकिन गाड़ी तो पहुंच जा रही है। बाय मिस्टर शिवा, बाय, गुड नाइट।
I'm sorry, sorry, sorry. Are you going to Chennai? Mm-hmm. I'm sorry, I don't lend my books. अपनी किताबों को दूसरों को देने की आदत नहीं है मुझे. पुस्तकम वनिता वित्तम परहस्तम गतं गतः नष्टा च भ्रष्टा च. नहीं समझे? हिंदी में बोलता हूँ. किताब और औरत को पराये लोगों को दिया तो वो उसके कवर निकाल कर बिगाड़ के लौटा देंगे. नई पीढ़ी के लोग भगवान को भी भूल गए, संस्कृत भी भूल गए. यू नो संस्कृत? नहीं जानता. नाम उत्तम रख के झूठ नहीं बोलना चाहिए. अफकोर्स मैं बहुत सारे विषयों को जानता हूँ लेकिन उसके बारे में प्रचार नहीं करना चाहता. ऐड का नाम लेते ही मुझे कुछ और याद आता है. उबरी का नाम सुना है? हमारे ऐड की दुनिया का भीष्म, इज अ ग्रेट मैन. मतलब प्रोडक्ट से बढ़कर उसका रेपर होता है. ये दुनिया को उसी ने सिखाया. आई लाइक यू, इज माय गुरु. आर यू ऐड फिल्म मेकर? ऑफ कोर्स. मैं भी ऐड फिल्म मेकर हूं. तो मैं क्या करूं, हो गया कोई छोटा मोटा. वैसे देखा जाए तो महात्मा गांधी भी मेरे गुरु हैं. उन्होंने इस पॉलिसी को उल्टा प्रूव किया. उन्होंने दिखाया कि प्रोडक्ट को रेपर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो बिना रेपर के ही घूमते थे. बिल्कुल. मैं कोई ज्यादा ही बकबक कर रहा हूं ना? No, I like it, Mr. Uttam. It's such a great pleasure. आज आपसे मिलकर मैं कितना खुश हूँ, आपको पता है? Why? क्या है कि भुवनेश्वर से इच्छापुर तक एक आदमी को मैंने कैसे झेला वो मुझे ही पता है. बाप अच्छा? रे बाप, उससे पीछा छुड़ाते तो मेरी जान ही निकल गई. लेकिन पीछा तो छुड़ा लिया ना? Yeah. Would you like some biscuits? I'm sorry, I can't take this. Why? I mean, आजकल ट्रेनों में बिस्किट के जरिए बेहोश करके बोरिया बिस्तर उठा के ले जाते हैं. सुना है? I don't want to take any risk. What? Of course, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ. ये आपने खरीदा? मतलब आपने नहीं खरीदा? नहीं. सर, ये क्या सर? I saved your life. आपको टाइम पास ही करना है ना? Risky. It's not risky. पकड़े? I'm a short man. Excuse me, sir. Anand. Sir. Sir. My bag. What? Sir. My bag. My suitcase. My laptop. सब गायब हूँ. ओफो, मुझे तेलुगु नहीं आती. कोई बात नहीं, आप हिंदी में ही बात कर सकते हैं. आपका सामान सब गायब है. हाँ जी सर. और चार पांच लोगों का भी सामान उसने चोरी किया है. अच्छा, किसने सर? कल रात यहाँ बैठकर जो बात कर रहा था उसी ने. मिस्टर उत्तम? हाँ. ये आप कैसे कह सकते सर? वो खुद गायब है, इसलिए उसने गायब किया है. नो नो, चांस ही नहीं है. इज अ वेरी डीसेंट मैन. हाँ, इंग्लिश संस्कृत कितनी फ्लुएंटली बात कर रहा था. ऊपर से सूट कोट पहना हुआ था. वो भी आप जैसे किसी से चुराई होगी. नो नो, आई डोंट बिलीव दिस सर. अक्सर सफेद लिबास पहनने वाले काले धंधे ही करते हैं. सर, क्या सर, ट्रेन को भी अभी रुकना था? हाँ. इस सूरत में चेन्नई कब पहुंचेगा सर? दो दिन में. क्या? इससे आगे जाने वाली गाड़ी पापड़ना स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है. बहुत सारे लोग मर गए और जख्मी हुए हैं. ट्रैक क्लियर होने में दो दिन लगेंगे, तब तक ये गाड़ी यहीं पर रहेगी. यही कहने के लिए मैं आया हूँ. अगर जल्दी है तो बस में जा सकते हो. जमता नहीं, एकदम उल्टी आती है. अरे, पीने को थोड़ी कह रहा. नहीं, ऐसा नहीं, मुझे खून अच्छा ही नहीं लगता. अच्छा नहीं लगता तो दे दो ना.
नहीं नहीं ये सब मुझे पसंद चल, चल, नहीं, चल, नहीं, कम, नहीं, कम, कम, आप क्यों मुझे ऑर्डर कर रहे हैं? ऑर्डर करने के लिए क्या मैं रशिया हूँ? हर बात के लिए रशिया के पीछे क्यों पड़ते हो? सर मुझे पसंद नहीं है, क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे पसंद नहीं, मैं और कोई काम करता हूँ। क्यों? वो हाथ के स्विच बोलते हो? कुछ नहीं, जस्ट अ ब्रेक। व्हाट ब्रेक? स्मार्ट ब्रेक। चोर 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 पकड़ा, कोई है पकड़ा पकड़ा चोर। अरे उधर कोई चोर छोड़ना। और कोई चोर नहीं, उत्तम। ओ सॉरी उत्तम, तुम्हारा उत्तम फ्रेंड है। उत्तम चोर है। ए पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, हाय हाय, हाउ आर यू? चल खड़ा हो, खड़ा हो। क्या कर रहे हो? सॉरी सॉरी। ए मेरे बारे में तुझे नहीं पता, मैं साधु वादू नहीं हूँ। आई एम अ किलर मैन, नेचुरल बॉर्न किलर। क्यों क्यों आपने देखा देखा मेरा गुस्सा? रुको, पढ़े भी क्यों बदतमीजी कर रहे हो? अबे चोर क्यों ना, तू क्या पढ़ा लिखा है? मैं अनपढ़ हूँ, वो छोड़ो। मुझे चोर कह रहे हो? तुम्हारा बक्सा उलट पलट कर देखा तो 10 पैसे तक नहीं मिला। तुम्हें बताओ चोर का गुजारा कैसे होगा? सच जाने बिना मेरी इज्जत मत उतार। पैसे थे उसमें, आपको तो पता है सारी चोरी होगी। बताओ ना इसको। पूरी लाफिंग है, शट अप। सर आप हंसिए, इनको होशियार रहना था। दैट इज प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम क्या? एक लगा कहां है मेरा बैग? डोंट शाउट पंडित जी, इनको इनका बैग दे दीजिए, 10 रुपए ले लीजिए। ओ भाई बैग बैग नहीं इसके पास, इसको मान ले। ए 10 रुपए दे के आप अपना बैग ले लो। ए कौन है? ए तू है मुर्गी चोर, फसवा दिया ना। पुलिस स्टेशन ले जाना था मुझे। टेक मी टू द पुलिस स्टेशन, टेक मी टू द पुलिस स्टेशन। कपटा, ए कौन है? चुप। स्टेशन पर छोड़ा मुझे, नाक पर किसी ने आज तक ऐसा नहीं मारा। सॉरी, आई एम द ओनली चाइल्ड यू नो। मेरे माँ बाप के 2 बच्चों में से मैं इकलौता हूँ। कैसे? वो मेरा बड़ा भाई बचपन में मर गया। क्रिकेट खेलते हुए आंख में बॉल लग गया और हॉस्पिटल लेके गए, तब से खून देखते। यू ऑल राइट? नो आई एम नॉट ऑल राइट। उस दिन से मुझे ये हॉस्पिटल एम्बुलेंस वगैरह सब पसंद नहीं। खैर छोड़िए, आप यहाँ कैसे पहुंचे? कह दिया तो तुम अभी इसी वक्त मेरे सामने उल्टी करने लगे। ब्लड लाने वाली एम्बुलेंस गाड़ी में बैठ कर आ गया। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आनंद, डॉक्टर्स नर्सेस वगैरह। आपकी बात निराली है, दुनिया भर में आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं किस पर भरोसा करूं? मुझे समझ नहीं आता। वो चोर को ही देखिए सर, आजकल जब भूख लगती है तो आदमी को ही खा जाता है। मुझे भी भूख लगी है। आपने जो बिस्किट दिए थे वो भी मैंने फेंक दिए उस चोर के कहने पर। वो छोड़ दो, लेकिन मैं एक बात कहता हूं मिस्टर शिवा, आजकल चेहरे को देखकर कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बता सकते। यही तो मैंने एयरपोर्ट पे कहा था, एक आतंकवादी चेहरे पे जख्मों के साथ बदसूरत लगे ये कोई जरूरी नहीं है। ओ हैंडसम और जैसा उसी तरह एक नेक आदमी स्मार्ट हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। वो अपने चेहरे पर भाव के निशान दिए, चश्मा पहने, लगभग आप जैसा। वो कैसे सर, आप हर चीज के लिए हंस लेते हैं। हंसी आ रही है? पर मुझे नहीं आ रही ना। आएगी आएगी, कोशिश करते रहो। जो भी देख रहा हूं नर्वस हो, घबरा रहा हूं। मैं सोचता था मैं सब जानता, कुछ नहीं जानता। Oh, I'm useless, sir. नहीं नहीं ऐसा क्यों सोचते हो? Don't be like that. Be positive. You are AB negative, but be positive. आप देखो। शिवा। Hi, Shiva. What a surprise! Come. My goodness. God bless you. Are you okay? You look handsome. अरे। Come. This is Sister Vanessa. मेरी जान बचा के मुझे ऐसे handsome बनाने वाले हैं। And this is Mr. Anand, my friend, AB negative. AB negative? Thank God. We need your blood to save a life. Did you tell him? Yes. एक मासूम बच्चे का जान बचाना है तो। I understand English, but I have a problem, you see. You have jaundice? No, not that. Tetanus? No. Nervous? Yes. Such a big man like you to be nervous. Come on. No, sister. You can't compel me. I don't want to go. क्या? सब तुम्हारी भलाई के लिए। हम तुमको कंपेल नहीं करता है माय सन, बट आई वांट यू टू सी व्हाट यू कैन डू। अपनी आंखों से देखो तो शायद तुम्हारा मन बदले। जाओ जाओ जाओ। क्यों खींच रहे मुझे? हेलो हेलो, ये क्या कर रहे हैं आप? सिस्टर यू कांट डू दिस टू मी, दिस इज इमोशनल ब्लैकमेल। पंद्रह मिनट में ये लड़का मर जाएगा, ब्लड मिल गया तो बच सकता है।
टेक माय ब्लड। यहाँ कोई सोली नहीं है, इस तरह क्यों खड़े हो? आ जा। अब मुझे क्या करना होगा? इस बेड पर लेट जाओ। चलो। शू। कोई बात नहीं, रहने दो। मिस्टर शिवा, आमतौर पे एक इंसान के जिस्म में 5.5 लीटर ब्लड होता है ना? अब ये लोग मेरे बदन से कुछ ज्यादा तो नहीं लेंगे ना? Don't worry my son, किसी को मारकर किसी को नहीं बचाया जाता है, promise. Yeah yeah yeah, I trust you, not a problem at all. कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ। ये क्या इतना शार्प है? सेडना है ना? Okay. अभी मुझे एक फंक्शन के लिए जाना चेन्नई अर्जेंटली to meet my fiance. Don't worry, you're functioning very well. क्या? अच्छा, एम्बुलेंस सायरन्स के बिना नहीं चल सकती? एम्बुलेंस में सायरन होती है, सायरन के बजने से रास्ता मिलता है। ये सब युग युगों से चलता आ रहा है, अब नहीं बदल सकते। क्या हुआ? माय सन, माय चाइल्ड, अपना नाम बताओ। अंकल पूछ रहा है, देखो। मैंने नहीं पूछा, मैंने कब पूछा? बोलो। फिर वही अमन। वॉच। हाँ समझे समझे। वो वॉच क्या हुआ? एक्सीडेंट में गुम हो गई क्या, या किसी ने चोरी की? अपनी वॉच दे दो। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। तेरी जान बच गई, यही सबसे बड़ी बात है। वॉच गुम हो गई तो जाने दो, चेन्नई पहुंच के दूसरी ले लेंगे। मुझे बात करनी है। करो। एक्सक्यूज मी, और क्या चाहिए? रबर बॉल। रबर बॉल मांग रहा। ड्राइवर बी केयरफुल। बात यह है सिस्टर, रात भर गाड़ी चलाने की वजह से ऐसा हो रहा है। ड्राइवर, कोई अच्छी जगह देखकर गाड़ी रोकना, चाय पी के चलेंगे। हेलो मिस्टर ए आनंद, कहाँ हैं आप? दुकान गया है बोल लेने के लिए। हम दोनों के लिए दो खड़क चाय बोल दीजिए, तब तक मैं। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, मैं देता हूँ, संभाल के रखिए। ओके 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 ओके, आउटस्कर्ट्स तक आ गया हूँ। आनंद आ जाऊंगा। या बाय बाय। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस काम के लिए आया था उसी को बिगाड़ देता। 32 लाख के चेक को नीचे गिरा दिया, मेरा बैग फट गया, मेरी तरह डैमेज। इसे तुम अपने बैग में रखो। ओके नो प्रॉब्लम, वो बॉल भी दे दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। अरे आनंद, पैसे मेरे पास भी नहीं है। अब आप मेरे राज में हैं। आप चाहे तो फैमिली को एक फोन कर लीजिए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। डोंट वरी, कॉल मेरी तरफ से। ये नई नई शादी करने वाले ही अपने दुल्हन को बार बार फोन करके रोमांस करते रहते हैं। मेरी बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है। यू हैव चिल्ड्रन? या कितने? वन सन। ओह, नाम क्या है? शंकु। शंकर। शंकर के लिए कुछ ले लीजिए ना। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत। नो नो, आई वांट टू बाय हिम समथिंग। अरे शाम चॉकलेट्स? नहीं नहीं, ठीक है, उसी तरह एक बॉल दिला दो। एक और बॉल दीजिए। आर यू श्योर? या उसे बॉल से खेलना बहुत पसंद है। इस बैग में। ओके, ये आपके लिए। वो तुम्हारा है। डॉक्टर, कम फास्ट, पैल्पिटेशंस। लेट मी सी। आनंद, तुम चाय पियोगे?
मैंने पूछा चाय पियोगे? कैसा भगवान है तू? ऐसे वक्त में भगवान है या नहीं ये? मैं आप जैसा नहीं हूं, मुझे भगवान पर विश्वास है। किसने कहा कि मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है? ओ, अब अचानक आपको भगवान पर विश्वास हो गया? नहीं, बहुत दिनों से है। कौन है वो भगवान? Look, I don't understand your jokes, man. Because it is not a joke. बिना जान पहचान के उस बच्चे के लिए आंसू बहाने वाला वो दिल है ना, वही भगवान है। Thank you. अचानक इतनी तारीफ कैसी? क्योंकि मैं भी भगवान हूँ। हाँ, जानता था। कोई ना कोई हुक जरूर होगा। अच्छा, किसने कहा है आप भगवान हैं? पहाड़ी इलाके में रहने वाली एक औरत ने कभी कहा था, तब से मैं भी मानने लगा। नहीं समझे ना? समझना भी नहीं चाहिए, भगवान है। ए आनंद, एक्सक्यूज मी। यस, नंबर 16 यही है ना? जी हाँ। मिस्टर शिवा है क्या? किस शिवा के बारे में आप पूछ रहे हैं? मिस्टर शिवा मोटे मोटे चश्मे, चेहरे पर घाव है। अपना कॉमरेड। कौन? कॉमरेड का नाम शिवा है, तुम नहीं जानते? अच्छा, उनसे क्या काम है? मिस्टर शिवा का एक चेक मेरे पास आ गया। आपका नाम मिस्टर आनंद है?
जी हाँ। बहुत अच्छे, आप ही को फोन करने के लिए पीछे गए हैं। शुक्र है आप इस चेक को यहाँ ले आए। सब सुनो, कंपनसेशन का चेक आ गया है, आप तुम सबको पैसे मिलेंगे। सबको मिलेंगे, सबको। आपका नाम इसमें है ना, इसमें जिनका नाम है सबको पैसे मिलेंगे। ये सब शुक्रिया का कारण ही हो पाया। उठना मुश्किल है, माफ करना। कोई बात नहीं। सुनो बेटे, तुमने हम पर जो उपकार किया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। तुम और तुम्हारे परिवार वाले सदा सुखी रहें। चल दो बेटे। आपका ये ऐसा हम कभी। अरे ये क्या कर रहे हैं? आज आपकी वजह से मेरी बेटी की शादी होगी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ मिस्टर शिवा ने किया। आप दोनों को भगवान अच्छा रखे। सुनो, सबका साइन लेके ये चेक बैंक में जमा करवा दो। ठीक है जी। सर एक्सक्यूज मी, मिस्टर शिवा ने कहा था कि वो हाउस नंबर 16 में रहते हैं। वो आए तो यहीं रहते हैं। आए तो फिर उनकी वाइफ और बच्चा? हाँ, उनकी वाइफ और बच्चा, ऐसा कोई भी नहीं है। नो नो नो, ही सेड ही हैज अ सन, कहा था एक बेटा है, उसका नाम शंकर, शंकु। बेटा शंकु? शंकर उनका बेटा है कहा? हाँ। एक तरह से वो भी सही है, वो यहीं पर है, वो रहा शंकर। ए शंकु बेटा, बोर हो गया जो यहाँ चला? आओ आनंद, मैं तुम्हीं को फोन कर रहा था। वो चेक जो तुम्हारे बैग में रह गया, उनको दे दिया। यूनियन ऑफिस गए थे क्या? जी हाँ, सोचा था वो घर है आपका, यही आपका बेटा है। और वाइफ? वैसे पूरा झूठ नहीं है, हो सकता है ऐसी कोई कभी मेरे दिल में रही हो। छोड़ो ना, क्या वो गुजर गई? पैदा ही नहीं हुई। नाइस। देखो आनंद, मेरा अपना कोई है नहीं, यही हकीकत है। सभी लोगों में कोई कॉम्प्लेक्स होता है, मुझे अपनी बीवी कहलाने वाली कोई नहीं है, यही कॉम्प्लेक्स है। अब जैसे एक पाव बेकार हो जाए तो हाइट एडजस्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म लगाते हैं ना शू में, वैसे ही एक कल्पना वॉकिंग स्टिक बीवी की कहानी, ताकि मन न लड़खड़ाए। ठीक है, गाड़ी में बैठ। इसलिए? इसलिए कि आज मेरी शादी है। वो जानता हूं, मैं बाद में आऊंगा शाम। नो, नाउ। क्यों धमका रहे हो? मैं अभी क्यों आऊं? क्योंकि मैं भगवान हूं, मैं कह रहा हूं गाड़ी में बैठो। मैं भी भगवान हूं, मैं कह रहा हूं बाद में आऊंगा। अरे अरे शंकु, गेट ऑन, बाहर आओ। नो स्टे। शिवा, उस डॉग ने रुचाना उतना भी तुम नहीं जानते। डॉग को उल्टा पड़ने से गॉड आएगा। क्यों इस तरह बहस करके मेरी जान ले रहे हो? मेरा भी कोई नहीं जिसे मैं भाई या बहन कह सकूं। एक भाई था, बचपन में ही वो क्रिकेट बॉल लगकर मर गया। ये तो I've already told you all this, man. Yeah, sorry. अब दोबारा मुझे एक भाई मिला है। Yeah, okay? Okay. आपको हमेशा मेरे साथ रहना होगा, जिंदगी भर। ये तुमने पहले क्यों नहीं कहा? वो इसलिए कि मैं झिझक रहा था, अब कह रहा हूं ना। ये क्या कोई मोहब्बत है जो बार बार कहता रहूं? You should understand, man. Yeah. अब आप गाड़ी में बैठेंगे या?
क्या? You are a madman. आनंद बेटे, ये सब क्या एडवेंचर है? बाढ़ तूफान का नाम लेके हम सबको डरा दिया तुमने। अब मैं आ गया हूँ ना, आरती हो गई। अगर आज मैं सही सलामत घर आ गया हूँ तो इन्हीं की वजह से मिस्टर शिवा। अगर ये ना होते तो सब कुछ पोस्टपोन करना पड़ता और बिना बंडप के हम सब परेशान हो जाते। थैंक यू बेटे। बेटा नहीं भाई, आपका नहीं मेरा बड़ा भाई। बड़ा भाई समझी नहीं समझी? वो क्या है, मैं भगवान हूँ ये भी नहीं समझी? ये भी नहीं समझी? आप सब लोग भगवान है ये मैं बाद में बताऊंगा। कैन आई हैव सम कॉफी प्लीज? अंकल आपके चेहरे को क्या हुआ? भरोसे ऐसा सवाल नहीं करते बेटे। नहीं नहीं, बुरा नहीं मानेंगे, हर सवाल का जवाब है मिस्टर शिवा के पास। दो चार साल पहले मैं शेव करने के लिए गुजरात के एक बार्बर शॉप में गया था, ठीक उसी वक्त वहाँ धरती कंप हुआ। उसके बाद क्या हुआ अंकल? हाउ आर यू? उसके बाद क्या हुआ मेरे चेहरे पे देखो। क्या हुआ ना? अरे मेरा तो फोन खराब था, मैं तो चाचा जी के फोन से बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा कब मिलेंगे? अरे रे ओके ओके ओके। मैडम बहुत गुस्से में है। वो तो होंगी। आप मेरी एक मदद करेंगे? आप ये लेटर, लव लेटर, हाँ आनंद लिखा जाओ, आ जाओ। आप ऐसा कीजिए, ये लेटर उसे दे दीजिए और कोई रोमांटिक कहानी सुनाकर उसका मूड ठीक कर दीजिए। ओके सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी ये भी तो अच्छे ही हैं। ये इस भगवान का ऑर्डर है, समझ गए? इतना ही नहीं, आप दूल्हे के भाई हैं, सो हरी आप। ओके लड़की वाले उस तरफ है। अरे आई नो अंदर कोई ना आने पाए, ध्यान रखना। तुम्हारी बेटी की ये दूसरी शादी हो रही है? ज़बान खींच लूंगा तेरी, कोई देखे इससे पहले, ऐसा दफा हो जा, जा। लड़के वालों के साथ तुम्हारा इस तरह पेश आना गलत है। तुम्हारा ये बर्ताव अगर आत्मानंद को पता चले तो क्या होगा पता है? तू उसे कैसे जानता है? क्या कहा तू? तुम उसे कैसे, आप उसे कैसे जानते हैं? वो मेरा छोटा भाई जैसा है। खैर ये सब छोड़िए, मुझे आपके लिए क्या करना होगा ये बोलिए। टाइम हो गया, भाई जी कहाँ हैं? बात कर रहे हैं, किसी को भी जाने के लिए मना किया। अरे चल चल हट हट ना। अरे 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 भाई साहब क्या कर रहे हैं, जाने किसके पास? बड़ा बंद कर, जा बस इतना। ये मैंने थोड़ी मांगा था। ठीक है तो फिर आपको क्या चाहिए बोलिए, मैं करूंगा। मुझे मालती से मिलना है। ये मुमकिन नहीं, तुम मालती से नहीं मिल सकते। क्यों मुमकिन नहीं, चल के मिल सकता हूँ उसे। मैं कोई 10% जान के साथ पड़ी हुई जिंदा लाश थोड़ी हूँ। बीच में क्यों आ रहा अकलकांड? हाँ बोली। तुम एक काम करो, किसी कोने में बैठ के ध्यान करो, देखते हैं शंकर भगवान मुझे रोकते हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि मैं ही तुम्हें कोई वरदान देने वाला हूँ। तुम मालती का भला चाहते हो ना, उसकी खातिर मुझे माफ करने का वरदान दो। ये वरदान मैं कैसे दे दूं? मुझसे झूठ बोले कि मालती की शादी हो गई और वो माँ बनने वाली है, और उससे ये झूठ बोले कि मैं मर चुका हूँ। अपनी ही बेटी को धोखा देने वाले बाप हो। भगवान कसम मैंने ऐसा सोचा। भगवान को क्यों बीच में लाते हो? कभी लाइन में खड़े होकर भगवान के दर्शन किए हैं तुमने? गरीबों को बाहर छोड़कर अंदर जाके पर्सनल दर्शन करने की आदत है ना तुम्हें? दुनिया भर के गलत काम करते हो और हुंडी में पैसे डालते हो ताकि तुम्हारे बाप धोकर भगवान तुम्हें बचाए, है ना? ऐसे बचाने वाला भगवान कोई भगवान ही नहीं है, कुली है, क्योंकि वो भी पैसों के लिए ही काम करता है। समझ गया। क्या पैसा? हॉट कैश यही चाहिए ना? कितना चाहिए बोलो, पूरा पूरा यही देकर सेटल करता हूँ। मुझे पूरा पूरा सेटलमेंट नहीं चाहिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा मिले ऐसा इंतजाम करो। वो किस लिए?
भूल गए क्या? 910? वो सब मजदूरों की समस्या है। तुमको क्या चाहिए, मुझे क्या करना होगा, बोलो मैं करता हूँ। उनकी समस्या हल हो यही मुझे चाहिए। पगार बढ़ाने की मंजूरी देकर अग्रीमेंट में साइन करो, मैं चला जाऊंगा। मुहूर्त का समय हो गया है, अब अग्रीमेंट वगैरह बनाना, यूनियन लीडर को बुलाना, दस्तखत कराना, ये सब क्या मुमकिन है? मुमकिन है, तुम फोन करो, आएंगे। इसी काम के लिए तो हम हैं। हाय। हाय। इस साड़ी में कितनी सुंदर लग रही हो तुम। थैंक यू। ये टी-शर्ट कैसा है? मिस्टर शिवा हाफ स्लीव्स नहीं डालते, उनको फुल स्लीव्स ही पसंद है। मिस्टर शिवा? हाँ, मेरा मेरे भाई साहब। भाई साहब? ये सब लंबी चौड़ी कहानी बाद में बताता हूँ। ए, ये कैसा है? हाउस दिस? अब मजदूरों के बीच तुम तो सुपरस्टार बन जाओगे, खुश रहो। लगे हाथ राजनीति में कूद जाओ, बहुत दूर तक जाओगे। अरे मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं, मैं तो एक टूल हूँ, हथियार और कुछ नहीं। इस्तेमाल के बाद हथौड़े को अपनी जगह पर रख देना चाहिए, फसल काटने के बाद हसीये को भी ऐसे ही रख देना चाहिए। तुम्हें दस्तखत करते हुए मैं कहीं दूर से देखूंगा और उसके बाद चलता बनूंगा, जीत तो तुम्हारी ही होगी। ये लेटर आत्मानंद को दे देना। उसके लिए लेटर क्यों? घबराओ मत, पढ़ के देख लो, चलेगा। तब इसे पढ़ने के बाद उसे दे देना। नमस्ते। नमस्ते है। वो कहाँ है? सड़क पे गाड़ी आती जाती रहेंगी, भागना मत। ये आपने बहुत अच्छा किया। इसके लिए सभी मजदूर आपको दुआ देंगे। ये सब कह के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, सब ऊपर वाले की लीला है। भगवान शंकर कहता है ये नाचीज करता है, बस। तो हमें इजाजत? ठीक है, हम चलते हैं। इस एग्रीमेंट को नोटिस बोर्ड में लगाकर अखबारों में हम न्यूज दे सकते हैं ना। चलो। अरे रुकिए, शादी में आकर खाना खाए बगैर जाएंगे? ए, सब कुछ तैयार है ना? हाँ, सब कुछ तैयार है। ठीक है, ठीक है। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई जी। भाई जी, क्या बात है भाई जी? जा, मेरी बंदूक लेकर आ और गाड़ी निकाल, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल नहीं भाई जी, बिटिया की शादी है, ऐसे मौके पर आप ये काम मत कीजिए। मैं किस्मत की दवा हूँ, मुझ पर छोड़िए, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ कुछ मत करना, काम हो जाना चाहिए। जी अच्छा। उसकी मौत दर्दनाक होनी चाहिए। किसका लेटर है? मैंने कहा था ना मेरे भाई साहब मिस्टर शिवा, उनका। ये क्या भाषा है, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। हिंदी तो है। बड़ा ही अटपटा है। नहीं, उनका दायां हाथ बेकार है, बायां हाथ से लिखा होगा। तुम पढ़ सकती हो ना, जरा पढ़ो तो। भगवान का रूप धरा भाई आत्मानंद, हम दोनों के उसूल अलग अलग होने के बावजूद मुझे एक बड़ा भाई का दर्जा देकर तुमने इज्जत और हमेशा के लिए मुझे अपने साथ ही रखना चाहा। आसमान में उड़ते पंछी को कोई पिंजरे में कैद नहीं कर सकता, चलती हवा को कोई अपनी मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता। मैं भी ऐसा ही एक पंछी हूँ, हवा। मैं कोई एक जगह अपना ठिकाना नहीं बना सकता। मेरे इस सफर में अब मुझे लगता है कि एक भाई के सच्चे प्यार को मुझे खोना पड़ेगा। इस बात का मुझे अफसोस है, इसलिए मेरी तुमसे विनती है कि अपने बड़े भाई के लिए जितना भी प्यार तुमने अपने दिल में जमा किया है वो भी उस लड़की को दे देना जो तुम्हारी हमसफर बनने वाली है। उसकी झोली में इतना प्यार भर दो कि उसका दम घुटे और उसके कदमों में इतनी खुशियां निछावर करो कि तुम्हारी दुनिया वो बने और उसकी दुनिया तुम सिर्फ तुम। तुम्हारा अपना भाई शिवा। ए शंकु, कहां भाग रहा है? जरा
अंकुर क्या तब की बात और थी जब पलटी मार के फाइट कर सकता था, अब दौड़ भी नहीं सकता। तुम्हारा खत मैंने पढ़ा था, भाई जी के लिए मैंने बहुत सारे पाप किए हैं और उसके लिए ऊपर वाले ने मुझे सजा भी दे दी। तुमको अस्पताल में आके मिला था याद है ना, उस हादसे के बाद 6 महीने में ही मेरी बेटी बीमार पड़कर अस्पताल में ही चल बसी। इकलौती बेटी थी, मैंने भी सपना देखा था किसी दिन उसकी भी शादी कराऊंगा। जिस तरह आज भाई जी के घर में शादी हो रही है, देखो भाई जी को भगवान ने कुछ नहीं किया। एक वैश्य की तरह भाई जी ने जो जो पाप अभी तक किए हैं उनकी सजा भी मुझे भुगतनी पड़ी। इतना सब होने के बाद अब भी मैं अगर किसी शरीफ पर अत्याचार करूं तो भगवान मुझे अच्छी मौत नहीं देगा। मुझे भगवान पर विश्वास है शिवा, पता नहीं तुम्हें है या नहीं। मुझे भी है। ये बात है, कौन सा भगवान? क्या किसी को मारने के लिए आने के बाद मन बदलकर उसकी जान बख्शते के उससे माफी भी मांग रहे हैं? मेरी नजर में आप ही भगवान हैं। मन तो जरूर बदला है लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ भाई। इस तरह नास्तिकों की तरह बात मत कीजिए, दुनिया में आप जैसे बहुत से भगवान हैं, पहचानने की देरी है, विश्वास कीजिए। थैंक्स, फिर मिलेंगे। सुनो भाई, फिर कभी नहीं मिलना वरना मेरे पेट पर लात पड़ेगी। बोल दूंगा कि तुमको खत्म कर दिया। याने? आपके पेट पे लात नहीं पड़ेगा, जाके ऐश कीजिए।